सुरीर पुलिस ने चेकिंग के दौरान नामजद अभियुक्तों से चोरी किए गए तोला का प्रेसा जैक एवं नगद 57,000 रुपए की नकदी सहित गिरफ्तार कर जेल भेजा है। शिवम श्याम शर्मा निवासी सुरीर का करीब एक सप्ताह पूर्व ट्रोला चोरी हो गया था। काफी तलाशने के बाद नहीं मिला तो पीड़ित ने इसकी रिपोर्ट सुरीर कोतवाली में दर्ज कराई थी। सुरीर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अमर सिंह परमार के नेतृत्व में उप निरीक्षक सतीश कुमार में पुलिस टीम के साथ सोमवार की रात चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति गश्त पर कर रहे थे। तभी मुखबिर से सूचना मिली कि चोरी की घटना में शामिल व्यक्ति यमुना एक्सप्रेसवे के अंडरपास पुल गांव लमतौरी के समीप खड़ा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घेराबंदी कर युवक को पकड़ लिया। पकड़े गए युवक से नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम गौरव पुत्र राजपाल सिंह निवासी लमतौरी थाना सुरीर बताया। पकड़े गए अभियुक्त ने बताया कि सुरीर से चोरी किए गए ट्रोला को चुरा कर बेच दिया गया है। अभियुक्त को घर से प्रेसर जैक एवं ट्रोला बेच कर आई 57,000 रुपए की नकदी बरामद की है। इस पकड़े गए अभियुक्त पर एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग जाने में सफल रहा। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अमर सिंह परमार ने बताया कि गौरव निवासी लमतौरी को चोरी किए गए ट्रोला का प्रेसर जैक एवं 57,000 रुपए की नकदी सहित गिरफ्तार कर चालान किया गया है।